नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आपके लिए आज का पहला प्रश्न है कि आरबीआई के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान में विज्ञापन के लिए या विज्ञापन के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं। जब से डिजिटल रूप से पैसों का लेन देन शुरू हुआ है तब से फ्रॉड भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसमें जागरूकता अभियान में जोड़ने के लिए भारत के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा आपको अब एक विज्ञापन में नज़र आएंगे जो हमें यह बताएंगे कि आरबीआई का जो जागरूकता अभियान है उसमें हमें धोखाधड़ी से कैसे बचना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा कि आरबीआई ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के विज्ञापन में शामिल किया है। यदि हम बात करें आरबीआई की, तो देखिए आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल सन 1935 को। लेकिन कैसे की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के लिए पूछ सकते हैं और करंट अफेयर्स के लिए भी। आगे यदि आपसे पूछें कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में। लेकिन 1937 से वर्तमान समय में अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखना है। यदि हम इसमें बात करें कि यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम क्या है, सर ऑसवर्न स्मिथ। ये ब्रिटिश काल के पहले आरबीआई के गवर्नर थे। यदि हम बात करें भारत के स्वतंत्र होने की, तो जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर थे वह कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, और वर्तमान समय में जो गवर्नर उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के क्या हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो आरबीआई और उससे संबंधित योजना या जो जागरूकता अभियान है उससे संबंधित आपको इसमें कम से कम इतनी बातें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि वैश्विक युवा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 को जारी किया गया है, इसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो इस रैंकिंग में जो पहले स्थान पर है वह कौन है, सिंगापुर। सही उत्तर क्या हुआ इसका, सिंगापुर। तो सिंगापुर जो देश है इसे वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में कि आखिर है ये है क्या। देखिए सबसे पहले इसमें यदि हम बात करें भारत के स्थान की, तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, 122वां। और यदि आपसे पूछे कि इस सूचकांक में कुल कितने देशों की सूची बनी है, तो इस सूचकांक में दुनिया भर के लगभग 181 देशों में युवाओं की स्थितियों को मापा गया। मतलब ये जो सूचकांक होता है ये क्या करता है, पूरे विश्व में जो 181 देश हैं उन देशों के सभी युवाओं की स्थिति को इसके आधार पर मापा जाता है। इस सूची में पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्लोवेनिया है, और तीसरे स्थान पर कौन है, नॉर्वे। यदि हम बात करें इस रैंकिंग को जारी करने की, तो इस सूचकांक को राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा युवाओं की स्थिति को मापने के लिए जारी किया जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो कम से कम इतनी बातें इसमें हमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकिंग
या बैंकों का जो लेन देन होता है लगभग कितने प्रतिशत डिजिटल रूप से होता है? मतलब इंडिया में जितनी भी बैंक हैं उन सभी बैंकों में जो लेन देन होता है पैसों का, यदि वह डिजिटल रूप से उस लेन देन को किया जा रहा है तो वह नॉर्मली टोटल 100% का कितना भाग होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो भारत में क्या है, डिजिटल रूप से जो पेमेंट होती है वह लगभग 72% तक बढ़ गई है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में सिडबी SIDBI ने उधार के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डिजिटल प्रयास। तो डिजिटल प्रयास नामक जो मंच है इसे लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा, SIDBI के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि हम बात करें इसमें कि हाल ही में सिडबी ने उधार के लिए डिजिटल प्रयास नामक मंच को लॉन्च किया है, अबाउट सिडबी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल सन 1990 में और इसका जो हेड क्वार्टर वह कब बनाया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसको बनाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो इनके चेयरमैन का नाम है शिव सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ये बात इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस राज्य ने NASSCOM द्वारा आयोजित एक्सपीरियंस AI समिट में AI गेम चेंजर अवार्ड को अपने नाम किया है? तो इस वाले अवार्ड को जीतने वाले हमें देश का नाम बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि इस प्रकार के अवार्ड को जीतकर अपने देश में लेकर आया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में क्या किया है? AI गेम चेंजर अवार्ड को अपने नाम किया है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदु जान लेते हैं। तो देखिए, क्या हाल ही में AI गेम चेंजर अवार्ड तेलंगाना राज्य के द्वारा जीता गया है। अब यदि हम बात करें पहले तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। इसकी स्थापना 2 जून सन 2014 में की गई थी और यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? तिमिलिसी सौदार राजन। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव जी। यदि हम बात करें NASSCOM के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसका काम क्या होता है? यह एक IT उद्योग की संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च सन 1988 को, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नई दिल्ली में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में RBI ने कब से ATM में कैश खत्म होने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है? अर्थात जब भी हम ATM से पैसा निकालने जा रहे हैं और आपको पैसे नहीं मिले, मतलब ATM खाली हो गया पैसों से, तो ऐसी स्थिति में हर वर्ष या हर महीने उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और उसमें RBI आपके ऊपर क्या लगाएगा? जुर्माना लगाएगा। तो इस सेवा को जो शुरू किया गया है यह 1 अक्टूबर 2021 से ये क्या हो जाएगी? फैसले पर अमल कर दी जाएगी, मतलब उसको ये लागू कर दिया जाएगा। तो यदि आपसे पूछें कि ATM में पैसे जब ख़त्म हो जाते हैं तो उससे संबंधित जो जुर्माना लगता है तो उसको कब स्टार्ट किया गया था पहली बार, तो 1 अक्टूबर सन 2021 को इस बात को या फिर इस जुर्माने को बैंकों के ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए इसी में है, सॉरी प्रश्न नहीं है, थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI ने 1 अक्टूबर 2021 से ATM में कैश खत्म होने पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया, ये बात हम पहले से पढ़ चुके हैं। यदि फिर से हम बात करें RBI की, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, अब कौन बन गया? मुंबई। कब से? 1937 से। कब से बनाइए? 1937
37 से बना हुआ है। यदि हम इसमें एक और मुख्य बात करें, इसके राज्यपाल का नाम क्या है, तो वह कौन है, शक्तिदास। यदि इसमें आपसे पूछें कि आरबीआई के ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो कि गवर्नर के पद पर सबसे ज़्यादा लंबा उनका कार्यकाल रहा है, तो उनका नाम क्या है, वेनेगल रामा राव। वेनेगल रामा राव आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहने वाले सबसे लंबे कार्यकाल के व्यक्ति रहे। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो बी नागभूषण रेड्डी जी हैं, इनको अभी हाल ही में मलेशिया, जो मलेशिया देश है वहाँ पर भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए इसके संदर्भ में हम कुछ बातें और जान लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में बी नागभूषण रेड्डी को नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें मलेशिया की, तो इसकी राजधानी क्या है, कुआला लंपुर। यहाँ की मुद्रा क्या है, रिंगिंगत। और यहाँ के पीएम का नाम क्या है, मुहिद्दीन यासीन। और यदि हम बात करें यहाँ पर मलेशिया की, तो मलेशिया में ऐसी कौन सी संस्था है जिसका यहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर है। तो मलेशिया की राजधानी कुआला लंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात BWF का क्या है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। क्योंकि प्रश्न मलेशिया से बना था, इसलिए मलेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न है आपके लिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कौन सी योजना का अनावरण या शुभारंभ किया है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में क्या किया गया है, एक योजना है जिसका नाम क्या है, उज्ज्वला 2.0 योजना। ये जो उज्ज्वला योजना थी उसका ये कौन सा चरण होने वाला है, दूसरा चरण। इसमें क्या होते हैं, गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्ज्वला 2.0 योजना PMUY के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, ये बात याद रखना है। दूसरा चरण, पहला कब स्टार्ट किया गया था, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के पहले चरण PM उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। मतलब इससे पहले वर्ष 2016 में 1 मई को इस योजना के पहले चरण की शुरुआत पहले से की जा चुकी थी। और ये कौन सा चरण आने वाला है, दूसरा चरण। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। यदि हम बात करें इसी योजना के तहत क्या काम होने वाला है, तो इसी योजना के तहत जो वित्त वर्ष होगा 2021 और 22 का, तो उस वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन देने का प्रावधान इसमें बताया गया है। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार के द्वारा हाल ही में डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया गया है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका जो अगला प्रश्न है भाई क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, WHO, क्या कहते हैं, WHO के अनुसार मालवर्ग नामक वायरस के पहले मरीज की पुष्टि किस देश में हुई है। अब ये जो वायरस है इबोला, आप नाम सुना होगा, इबोला वायरस, तो उसी का एक रूप है या उसी के परिवार का सदस्य है, जो कि कोरोना से भी बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो इसके जो पहले मरीज की पुष्टि हुई है, ये कहाँ पर हुई है, अफ्रीका में। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। और ये पुष्टि किसने की है, WHO ने।
तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए हम अब जान लेते हैं इसमें कि कल की वीडियो का जो लास्ट में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है। तो पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैंने आपसे पूछा था कि भारत की पहली हाइड्रोजन युक्त या हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा। हरियाणा में क्या होने वाला है, ये वाली ट्रेन पहली बार स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है इसका, किसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी दे दूंगा, और आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी इसमें प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।